नमस्कार, स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ स्मिता उपाध्याय। फिल्म काली के पोस्टर को लेकर पूरे देश में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। लोगों के मन में काफी गुस्सा है, लोग आक्रोशित हैं और कह रहे हैं कि लीना मणिमेकलाई हिंदुओं की भावनाओं को आहत कर रही हैं। इसी बीच फिल्म डायरेक्टर लीना मणिमेकलाई ने एक और ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने माता पार्वती और भगवान शिव का एक पोस्टर रिलीज किया है, जिसमें उन्होंने माता पार्वती और भगवान शिव को धूम्रपान करते हुए दिखाया है, जिसके बाद लोगों का कहना है कि वह हिंदुओं की भावनाओं को लगातार ठेस पहुंचा रही हैं, वह हिंदुओं को उकसाने की कोशिश कर रही हैं। देश में जैसा माहौल है उसको देखते हुए लीना मणिमेकलाई कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश कर रही हैं, जिसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो चलिए जानते हैं लोगों से कि अब इस पोस्टर को देखने के बाद उनका क्या रिएक्शन है, वह क्या कहना चाहते हैं। लीना मणिमेकलाई ने जो शिव और पार्वती का पोस्टर रिलीज किया है, इसमें उन्होंने धूम्रपान करते हुए दिखाया है, क्या लगता है वो हिंदुओं की भावनाओं को उकसाने की कोशिश कर रही हैं? हाँ, हिंदुओं की भावनाओं को ठेस उससे पहुँचेगी, क्योंकि भगवान को सिगरेट पीते दिखाया तो काफ़ी लोग हैं जो भक्ति रखते हैं, भक्ति भावना रखते हैं, तो उनको उनके दिल में ठेस तो पहुँचेगी कि भगवान को सिगरेट पीते हुए दिखा रहे हैं, तो ऐसे अच्छी बात नहीं है। मतलब लोग इससे भड़केंगे, दंगे वंगे होंगे। लेकिन दूसरी तरफ बात यह है कि वो तो एक फिल्म है, फिल्म में तो कुछ भी दिखाया जा सकता है, लेकिन जो थोड़े बड़े एजुकेटेड पर्सन हैं उनको तो इस तरीके से लेना चाहिए उसको कि एज अ मनोरंजन है, इसमें कुछ भी कर सकते हैं वो। भगवान शिव और माता पार्वती के हाथ में धूम्रपान करते हुए उनको दिखाया है, तो क्या कहेंगे इस पर आप? देखो, हमारे सनातन धर्म का अपमान है, देवी देवताओं का अपमान है। जो भी लोग सनातन धर्म एवं देवी देवताओं का अपमान करते हैं उनको उनके किए का परिणाम तो मिलता है। अभी महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा के चक्कर में उद्धव ठाकरे जी गए। जो भी हमारे सनातन धर्म को हमारे भगवान के साथ छेड़छाड़ करेगा, मजाक करेगा, उसको तो भगवान बख्शेंगे नहीं। बार बार हिंदुओं के देवी देवताओं को ये टारगेट क्यों किया जा रहा है? इसलिए कि हम लोग हिंदू संगठित नहीं हैं, एक नहीं हैं। अगर कोई कुछ बोलता है तो हम सब एक होके उसका जवाब नहीं देते हैं, इसलिए हिंदू के देवी देवताओं के साथ बार बार ऐसा होता है। भगवान के दरबार में देखिए, कर्मों की सजा तो मिलेगी मिलेगी, कोई भी हो, मैं हूँ, कोई भी हो, उसको कर्मों की सजा तो मिलेगी मिलेगी। और सबसे पहले हम इमीडिएट ये कहना चाहते हैं, छोटा सा बयान नूपुर शर्मा जी ने दिया, पूरे विश्व में त्राहिमाम त्राहिमाम हुआ, और क्या इस चीज़ को हमारे हिंदुस्तान में इतने 100 करोड़ हम लोग हिंदू सनातनी हैं, तो हम लोग भी ऊपर उठकर आना चाहिए और उनको माफ़ी मांगना चाहिए। और जहाँ तक हो सकता है, अभी TMC सांसद जो है महुआ मित्रा जी ने भी जो बोला अपने बयान को, उन्होंने बोला कि मैं कोर्ट में आऊंगी, ये करूंगा, बहुत गलत है। आज सुबह ट्वीट करके भगवान शिव और माता पार्वती के हाथ में सिगरेट थमा दिया, क्या कहेंगे इस पर आप? भारतीय संस्कृति का मजाक नहीं होना चाहिए। हमारे देवी देवताओं के हाथ में सिगरेट, हाँ, किसने की, किसने किया, ये नॉट एक्सेप्टेबल है और ऐसे लोगों को दंडित होना चाहिए। ओके, रिएक्शन, हम हिंदू होके हिंदू संस्कृति की अपने देवी देवताओं का अपमान हम कैसे सह सकते हैं? उसके लिए हम सबको आगे आना चाहिए कि इस तरह का यदि कुछ भी होता है और कोई भी करता है तो दंडित होना चाहिए, क्षम्य नहीं है। मैम, हिंदू देवी देवताओं की ऐसी तस्वीरें, ऐसी पोस्टर बनाकर क्या संदेश जाएगा देश में? देश में संदेश जाएगा कि हम लोग संगठित हैं ही नहीं, हम अपने धर्म के लिए कोई आवाज़ उठाते ही नहीं हैं। अगर हम हिंदू मुस्लिमों की तरह आवाज़ उठाएं तो किसी की भी हिम्मत ही नहीं होने की कि वो हमारे देवी देवताओं को ऐसे दिखाएं। पता, काली को सिगरेट पीते हुए देखकर कैसा लग रहा है? कैसा लगेगा, मन करेगा ना कि वहीं पे बजा दो। तो हम लोगों की कमी है कि हम संगठित होके सड़कों पे उतरते ही नहीं हैं। अगर हम संगठित हों, सड़कों पे उतरे, तो कोई ऐसा कर ही नहीं पाएगा। तो देखा आपने, लोगों का कहना है कि हिंदू संगठित नहीं है, इसलिए बार बार हिंदू देवी देवताओं को टारगेट किया जाता है। लोगों का कहना है कि जो भी सनातन धर्म का अपमान करेगा, भगवान उसको उसका फल देगा। कैमरा पर्सन सनी माहेश्वरी के साथ स्मिता उपाध्याय, दिल्ली।